बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर बनी हुई है। सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने में लगी है। रायपुर में विधानसभा सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस नेताओं ने कानून व्यवस्था समेत दूसरे मुद्दों को लेकर आज विधानसभा घेरने की कोशिश की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों के नेतृत्व में जोरों से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। वहीं कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए प्रशासन ने भी जमकर वाटर कैनन चलाया। देखिए सड़कों पर संघर्ष को उतरी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर, हमारी ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी विधानसभा का घेराव करने निकली। कांग्रेस बढ़ती महंगाई और अपराधों के लिए आवाज बुलंद कर रही थी। मंडी गेट पर कांग्रेस के मंच पर सबसे पहले प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत तमाम पदाधिकारी और कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे। यहां भाषण देने के बाद सभी कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने के लिए निकल पड़े। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो गई है, इस बात को स्वीकार करते हुए बरसात होने के बावजूद भी हजारों की तादाद में लोग आए। ये बता रहा है कि आज आदिवासियों की जेल में ठूसा जा रहा है, सतनामियों के साथ किस प्रकार से उसको मार मार के उसको जेल में ठूसा जा रहा है, किस प्रकार से रायपुर राजधानी में चार चार गोलियां चल रही है, चार चार बार गोलियां चल रही है। इस दौरान कांग्रेसियों को रोकने के लिए पुलिस ने 5 लेयर में बैरिकेडिंग की थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उसे तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वाटर कैनन का इस्तेमाल कर आगे बढ़ने से रोका। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। सब अपने स्वभाव और जिम्मेदारी अनुसार प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। आपने सुना हमारे प्रभारी जी ने कहा, हम हिंसा में विश्वास नहीं करते, लेकिन जनहित के मुद्दों में जहां लोगों के लिए खड़ा होना है, हर परिस्थिति में हम सामने खड़े रहे। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था बद से बदतर है, इसी के विरोध में आज हम लोग विधानसभा घेराव के लिए कूच किए। यहां कांग्रेस के तमाम नेता भी पहुंचे थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। बैरिकेड तोड़ने के दौरान मेयर एजाज डेबर को प्रदर्शन में चोटें भी आई, जिसके चलते उनकी तबीयत तक बिगड़ गई। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर रही। जनता के हक और अधिकार की लड़ाई को कांग्रेस पार्टी सदैव से लड़ती है, इस लड़ाई को लड़ेंगे। लहू बहाया है इस जनता के लिए। भारतीय जनता पार्टी की पुलिस अपराधियों को तो रोक नहीं पा रही, हम लोगों के बारे में लाठीचार्ज और वाटर पानी छोड़ने का काम कर रही है। नहीं, वास्तविकता तो ये है कि पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार रही और पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा देश ने देखा कि इन लोगों ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना के रखा था। लॉ एंड ऑर्डर, कानून की व्यवस्था चरमरा गई थी। लूट, हत्या, अनाचार, दुराचार, बलात्कार सभी सीमा रेखाएं छत्तीसगढ़ में पार करके रख दिया था और उसका परिणाम भी हुआ। जनता ने इसको देखा और जनता ने और इसका परिणाम भी दिया। धक्का मुक्की के बाद कांग्रेस ही थोड़ी देर के लिए थम गए। पीसीसी चीफ दीपक बैज की वापसी के बाद एक बार फिर से प्रदर्शन तेज हुआ। इस बार बैज ने बैरिकेड पर चढ़कर प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ ही देर में अपने सभी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन खत्म करने का इशारा दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने सदन के अंदर और सदन के बाहर ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी है, प्रदेश सरकार की नामायिक नाकामी और प्रदेश सरकार की विफलता को लेकर। निश्चित रूप से जंगी प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहा और कानून से सोई हुई सरकार को चलाने के लिए आज कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रहा, लेकिन तानाशाही सरकार ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया। कांग्रेस का गुस्सा और बीजेपी का पलटवार सियासी गलियारों से जब सड़क पर निकला तो परेशान हुए लोग। प्रदर्शन के चलते प्रशासन ने बलौदा बाजार रोड के तमाम स्कूलों में छुट्टी कर दी थी, जिसके चलते 15,000 बच्चे आज स्कूल नहीं जा पाए। वहीं मंडी गेट मोवा रोड को शाम 5 बजे तक के लिए बंद कर उसका रूट डायवर्ट किया गया, जिससे लोगों को असुविधा का भी सामना करना पड़ा। लेकिन खबर ये भी है कि आज हुए कांग्रेस के प्रदर्शन में बारिश भी बड़ी रुकावट बनी। दरअसल जिसे विपक्ष में आने के बाद कांग्रेस अपना सबसे बड़ा प्रदर्शन बता रही थी, उसी प्रदर्शन में उम्मीद के मुताबिक कार्यकर्ता पहुंचे हैं। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को खुद को जीवित रखने की एक नाकाम कोशिश बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार। दरअसल विधानसभा और लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी बड़े नेता
पहली बार एक साथ सड़क पर उतरे हुए नजर आए। दरअसल कांग्रेस के नेता जानते हैं कि अब पार्टी को अपनी सक्रियता दिखाने के लिए आने वाले सालों में इसी तरह जनता के मुद्दों को लेकर यूं ही सड़कों पर उतरना पड़ेगा, वरना बीजेपी संगठन की सक्रियता के आगे कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के गुमनामी में जाने का डर हमेशा बना रहेगा।